हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि अब जिस तरह से देश के अंदर लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर सबसे कारगर आयुर्वेदिक जो उपाय है और इसका इलाज है वो क्या है। हम सब अपने घर के अंदर इस तरह की चाय बना करके पी सकते हैं, और ये जो चाय आप देख रहे हैं, ये चाय जो है वो कारगर साबित हो रही है। देश की गवर्नमेंट ने, आयुष मंत्रालय ने भी आयुष काढ़ा नाम इसको दिया है। इसमें हमने और भी कई सारी चीजें मिलाई है। ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं है। इसके अंदर काली मिर्च मिर्च और कई सारी चीजें तीखी तीखी मिलाई हुई है, फिर भी ये बिल्कुल भी तीखा नहीं है, मीठा है। और इसको बनाने का तरीका जो है बहुत ही आसान है, तो इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। एकदम मीठा है और चाय की तरह पी सकते हैं, बच्चे लेकिन भी पी इसमें सकते हैं। चाय नहीं है। आप चाय चाय बोल रहे हो, कोई ऐसे सोचेंगे इसमें चाय है तो हम बनाएंगे। चाय नहीं हाँ, है, चाय, ये चाय नहीं है दोस्तों, लेकिन इसको चाय, आयुष चाय आप कह सकते हैं, आयुर्वेदिक चाय आप कह सकते हैं। जो हम चाय घर पे पीते हैं वो चाय नहीं है, काढ़ा है एक तरह से, आयुष काढ़ा जिसको नाम दिया गया। तो जो भी है, हम इस तरह की काढ़ा चाय बना करके, किस तरह से बना करके पियेंगे वो देखिए, हम आपको बताते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, और जितने इसके अंदर चीजें पड़ेगी वो लगभग हमारे घर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, काढ़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी की सारी सामग्री लेंगे, और सामग्री जो है वो लगभग अपने घर में मिल जाती है, और कुछ सामान अगर नहीं मिले तो हम लेके आ जाएंगे मार्केट से। जैसे कि ये दालचीनी है, सबसे पहले दालचीनी लेंगे। दालचीनी के इस तरह से ये आते हैं, क्या चीज आते हैं, छोटा है, हाँ छोटा, इनको हम छिलका बोलते हैं, छिलके आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से दालचीनी के छिलके आते हैं मार्केट से, और शायद इसका पिसा हुआ पाउडर भी आता है। अगर बाई चांस नहीं आए तो आप इस तरह से ला करके और इनको कूट कर पीस लें। दूसरी दोस्तों जो चीज चाहिए कि वो है तुलसी के पत्ते। ये तुलसी हमने पहले भी आपको दिखाई थी, गुणकारी किया, काली काली जड़ वाली नहीं, हाँ ज्यादा गुणकारी है। अच्छा, तुलसी का जो तना है और इसकी ये तना जो एक काला तने की होती है वो वाली ज्यादा गुणकारी है। एक हरे तने की है। अच्छा, ये हरे वाली है, इससे ज्यादा काले वाली गुणकारी है। ठीक है, तो हम अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए 15-20 पत्ते तो लेंगे। 15-20 तो मैं आ गयो, हाँ कोई बात को नहीं, पत्ता ले लिया बना के डेली पी रहे तुलसी, और पूजने के लिए तो काम आवे। पूजने का नाम एक तुलसी माँ है बा, आपको बच्चा की रक्षा करने के लिए काम आवे। इंगा गुणकारी पत्ता बहुत वहीगा, गुंटी बना के पी सके, टाबर के सर्दी जुकाम लग रहे तो कोरे तुलसी के पत्ते को गुंटी बना के। अच्छा, अकेले तुलसी का पत्ता तोड़ो और उसको गुंटी बना के दे दो टाबर ने, छोटो बच्चो है, थोड़ा बड़ो बच्चो है 12 महीना 2 साल को, तो बिन दालचीनी जावत्री को तुलसी को एक पत्तो ना करे गुंट बना के दे दे, कोई फायदेमंद है ना बेटा। पहले चलो 15-20 तो ही क्या होगा, हाँ बहुत आई था, तो अपने घर पूरा घर के लिए, हाँ गर्मी बहुत कड़े है। चलो दोस्तों, ये चीज भी ले ली, पहले दालचीनी और उसके बाद में तुलसी के पत्ते। नॉर्मली हमारे घरों में मिल जाती है तुलसी, सभी घरों में। हाँ, और ये चीज़ भी साथ में आपको बताया, तुम देखिए जो हमने ग्वार लगाया था ना, ये इतना बड़ा हो गया यहाँ पर, और ये भिंडी, उधर भी कई बेल लगाई थी, बड़ी बड़ी हो गई। ये तुलसी के पत्ते ये तो सीधे डाल देंगे दोस्तों, बारिश आने वाली है और हम बाहर बैठे हुए हैं। देखिए ये तुलसी के पत्ते ले लिए, ये इसने कूट लिए यहाँ पर दालचीनी, ठीक है। तो ये दालचीनी ज्यादा हो गई हमारे घर परिवार के हिसाब से, अगर देखें तो 1 चम्मच ही ले इसमें। 2-4 लोगों के लिए दोस्तों, अगर रोज काढ़ा पीते हैं तो आधा चम्मच काफी है। और काली मिर्च लगभग 15 है, काली मिर्च 15, ये लौंग, लौंग ये भी 15 है, लौंग और 15 है काली मिर्च। दोस्तों ये हम एक सदस्य के लिए नहीं बता रहे हैं, हम करीब घर के अंदर कितने सदस्य होंगे, 7-8 बच्चों को मिला लें तो 10 सदस्य हो जाएंगे, सारे सदस्य इतना पियेंगे, तो आप अपने हिसाब से अनुमान लगा लें। तो 15 एक लौंग ले लिए, 15 एक काली मिर्च, इसको भी थोड़ा सा कूट लेते हैं। तो किशमिश हमने ले लिए, मुनका तो अभी है नहीं, थोड़ी सी किशमिश ले लेते हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा आ जाए, मीठा मीठा चाय का। और क्या चीज़ है, हल्दी, खुद घर पर पीस करके आपको दोस्तों हल्दी काम में लेनी है, बाजार से पीसी हुई हल्दी आती है उस पर भरोसा कम ही करते हैं हम तो। अब दोस्तों हम इसमें लगभग इतने सदस्य हैं, तो 1 चम्मच, तो ये छोटी सी चम्मच है एकदम,
एक चम्मच तो इसमें ले ही लेते हैं सौंठ, और गुड़ कम लेंगे, इतना तो ज़्यादा हो जाएगा, लगभग आधा। दोस्तों चीनी नहीं लेनी है किसी भी हालत में, आप मीठा करने के लिए चीनी नहीं लेना, मिश्री ले लेना या फिर गुड़ ले लेना, वो ज़्यादा सही रहता है। हाँ मीठा करने के हिसाब से गुड़ ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, गुड़ नुकसान नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है माँ, ये तो बहुत हैं माँ, तबीयत की है आपके? ठीक है। अब देखो इतनी सारी चीज़ें हमने ले ली है, और दोस्तों इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे, लगभग एक चम्मच, और ये सारी की सारी जो आप देख रहे हैं, अब सुमा आपको बताएगी कि हमने क्या क्या चीज़ें ली है, आइटम लिए हैं, क्या क्या आइटम लिए बता दे एक बार दोबारा से। अजवाइन, हाँ अजवाइन ले लिया है दोस्तों, दालचीनी पीसी हुई, गुड़ सौंठ, लौंग, काली मिर्च, इसमें लौंग और काली मिर्च दोनों साथ में है दोस्तों, पीस अभी कूट के, हल्दी और किशमिश, किशमिश लिए दोस्तों, इसमें मुनक्का लेना है आपको, काला मुनक्का, ये तो हमने ऐसे मीठा करने के लिए है, ले लिया है, नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुनक्का लेना है आपको इसकी जगह, और तुलसी के पत्ते, ये तुलसी के पत्ते ले लिए, और ये अजवाइन हो गई, और ये बता ही दिया पूरा, हाँ, पूरा बता दिया, इतनी सारी चीजें हो गई। अभी इसका हम, वैसे तो दोस्तों इसको हम ऐसे बोलते हैं अभी काढ़ा बना रहे हैं, लेकिन एक तरह चीज मीठी हो जाएगी तो चाय की तरह हम चुस्कियां लेके इसको पियेंगे, तो एक तरह सी चाय है। आज तक चाय तो नहीं पी, याद नहीं है चाय पी तो कभी, लेकिन आज ये चाय पी कर देखेंगे कैसी बनेगी। तो हमने चाय तो बहुत पहले छोड़ दी थी, मतलब 6-7 साल के थे हम उस समय छोड़ी थी, और अब अगले 15-20 दिन तक घर में हम यही पियेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इम्यूनल सिस्टम बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात दोस्तों, दोस्तों एक बात जरूर याद रखें कि आप गर्मी का टाइम है, ये सारी चीजें एक लिमिटेड मात्रा में ही लें, गर्म करने वाली है सारी चीजें, ऐसे नहीं है कि आपको एक दिन में मान लो पूरा इम्यून सिस्टम बढ़ाना है तो आप भर भर के ले लें। इतना लिया है तो हम कितने लोग हैं? 10 लोग, 10 लोग हैं कम से कम। थोड़ी सर्दियां होती तो इससे थोड़ा थोड़ा ज्यादा ले लेते तो भी चल जाता, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है ना, सब दिन बड़ी आ रहे हो क्या, गिन लिया कितने लोग? 4, 5, 3, 2, 8, 2, 10 और एक दादी 11 11 लोग हैं दोस्तों। दोस्तों आंधी आ गई है जोरदार, अभी हम काटा बना ही रहे थे कि इतने में आंधी आ गई, आंधी में भी बनाएंगे अब कैसे न कैसे। लगभग दोस्तों हम इसके अंदर पानी ले रहे हैं कितना, 2 लीटर, 2-1 लीटर तो पानी ले ही लेते हैं। ये जो सामग्री है दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, इसको मिक्स करके पीसने वाली चीजें पीस करके रखेंगे हमेशा, सीधी चाय बना लेंगे। अभी तो वीडियो बनाना था इसलिए आंधी भी आ गई, सब भी बारिश आएगी आने वाली है, आपको पता ही है राजस्थान में आंधी होगा सीजन ही चलता है 2 महीने, अंदर करेंगे या तो गैस पे करेंगे। और बारिश आ गई और बाहर के चूल्हे पर तो ये काम होगा नहीं, अब अंदर गैस के ऊपर ही कर रहे हैं। दोस्तों आज दूसरा दिन है, कल हमने काढ़ा बनाया था सभी ने और पी भी लिया था, बारिश आ गई थी बहुत ज्यादा, उसके बाद में हमने काढ़ा बनाया, अंधेरा भी हो गया था, वीडियो बन नहीं पाया तो इसलिए बनाकर पी लिया, और बहुत ही बहुत अच्छा बना था, एक कमी रह गई थी। आज हम दूसरा दिन है फिर से बना रहे हैं, आज सदस्य कम है तो ये देखिए हमने सामान थोड़ा सा कम लिया है क्वांटिटी के अंदर, गुड़ है इसको थोड़ा सा ज्यादा लिया है, कल हल्का सा फीका रह गया था तो इसलिए गुड़ हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया है। कल अगर उतने काढ़े के अंदर एक पेड़ी जो गुड़ का डली होती है वो अगर एक पूरी लेते ना तो शायद बराबर मीठा होता, पूरा मीठा हो जाता, क्योंकि थोड़ी ये किशमिश भी मीठी होती है।
तो आज फिर ये सारा का सारा सामान वही है, ये अभी इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं। पानी उबालना जरूरी नहीं था, लेकिन हमने थोड़ा सा पहले ये चढ़ा दिया इसलिए उबल गया है। करीब आधे घंटे से ज़्यादा हमने इसको पकाया है और पानी एक चौथाई रह गया है, तब नीचे उतारा है। अब आप इसमें देखिए ये किशमिश, इसके अंदर जो किशमिश रह गई है वो हम अलग से अब निकालेंगे, क्योंकि ये किशमिश आप खा सकते हैं। स्वाद है, किशमिश का टेस्ट अलग ही है। तो किशमिश आप क्या करें, इसमें से निकाल लें किशमिश किशमिश और इसके अंदर ही डाल लें। प्रत्येक गिलास के अंदर जैसे किसी को भी आप दें तो पाँच चार चार पाँच किशमिश आप साथ में उसके अंदर मिला करके दे सकते हैं। अभी हम पी करके आपको बताएंगे कैसा लग रहा है। इसके अंदर दोस्तों चार से पाँच किशमिश साथ में अंदर डाल दिए और इसको पियेंगे। जी बड़े है। ठीक है बता। इसमें काली मिर्च डाली थी ना हमने? हाँ डाली थी। तो काली मिर्च कहाँ गई? टेस्ट आ रहा है काली मिर्च का? काली मिर्च और लौंग दोनों ही। टेस्ट तो आ रहा है पर मुंह नहीं जल रहा है ना, कंठ जल रहा है, जल कुछ भी नहीं रहा है काली मिर्च से। डाली थी तो भी ये चाय में स्वाद भी नहीं है। आज स्वाद भी नहीं है, आज एकदम पूरी मीठी है। गुड़ थोड़ा सा ज्यादा डाला इसलिए स्वाद है। और ये चाय मैं हमेशा पीना चाहूंगा, बहुत मस्त है। एक बार आप जरूर बनाएंगे तो बार बार पियेंगे। मस्त है। बता सुन। हाँ मीठी है, काल थोड़ी फीकी, आज मीठी स्वाद है। काली टी पिए, कुछ लोग यहाँ पिए के चाह, सिर्फ चाह वे नहीं, चाह ने पानी में उबाल के चीनी ना के बिना दूध ना के ब्लैक टी। हाँ तो बंग लिया ऐसी बड़ी है, बिना मन लागे शायद इनको टेस्ट ज्यादा अच्छा है। हाँ तो उस चाय तो ज्यादा गुणकारी भी है। तो ये बहुत ही शानदार है। और ये इसी के बारे में अभी हमारे देश की गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन जारी की थी, आयुष मंत्रालय ने, इसको आयुष काढ़ा नाम दिया गया था, लेकिन हम आयुष टी इसको बोलना चाहेंगे क्योंकि ये चाय की तरह ही है। और चाय जो पीते हैं या चाय नहीं पीते हैं वो सब लोग पी सकते हैं इसको। तो आप सब बनाएं और पिए, अभी थोड़ी कम पिए, गर्मी का टाइम है इसलिए कम क्वांटिटी में बनाएं। और सर्दियां जैसे ठंड का मौसम अगर आपके यहाँ है, ठंडी जगह पर आप हों तो इसको ज़्यादा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर चाय छोड़ना चाहे तो इसको स्टार्ट करके धीरे धीरे चाय को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन चाय जैसे कुछ लोग दिन में 10 बार पीते हैं तो उस टाइम ये गड़बड़ करेगी फिर। 10 बार नहीं, आप दिन में सर्दियों में तो 2 बार पी लें तो भी चलेगा, गर्मियों में 1 बार काफी है। इम्यूनिटी ये बढ़ाता है, इसमें जितनी भी अपन ने चीजें डाली है ना वो सारी की सारी चीजें इम्यूनिटी को बढ़ाती है और कोरोना जो है हमारे आसपास भी नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों आप भी जरूर बनाएं और पिए। चमन दे गया मैंने सदस्य का तरह बनाया हो। हमारे घर में एक ऐसा सदस्य है दोस्तों जिसे मैं लेके आया था श्याम बिहारी स्वामी, वो होम क्वारंटाइन है। और उसके साथ ही जो हम सब लोग भी ये चाहते हैं कि ये काढ़ा जो चाय है आयुष टी ये हम सब पिए, ताकि हमारे आसपास के गाँव में भी कोरोना के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं तो क्या बताइए कारगर औषधि काम आए। इम्यूनिटी अगर बढ़ी हुई होगी तो पता ही नहीं चलेगा कब हुआ कोरोना और कब नहीं हुआ। और कैसे हो? बस जिंदा हूँ, अच्छा है। ये आयुष टी है, इसको पियो। लाइट कौन? लाइट गई, अभी भी लाइट गई है। तो ये अभी 15 दिन के लिए होम क्वारंटाइन है, तो घर पे ही रहेगा। ऐसे छत पे जा सकता है, ऐसे अंदर रहेगा। और क्या बताएं अब भी, अब कैसा लग रहा है आपको?
अच्छा है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, समस्या वैसे ही सब नॉर्मल, सब नॉर्मल है, नॉर्मल ही रहना चाहिए। लेकिन वो होता है ना कि अगर किसी कहीं से कीटाणु लग भी गए ना, हाँ। तो कम से कम 10 दिन लगते हैं इसके लक्षण आने में, तो 10 दिन तक तो कम से कम होना ही चाहिए। 10 से 15 दिन गवर्नमेंट ने 14 दिन वो कर रखे हैं पूरे। वही चलो, ये जरूरी है दोस्तों, नियमों का तो पालन करना हम सबको ही। आप भी दोस्तों इस तरह की चाय बनाएं और चाय पिएं।